भारतीय जनता पार्टी सचमुच यही चाहती थी जो इस वक्त वो कर रही है? इस वक्त देखिए प्राण प्रतिष्ठा का जो मुद्दा है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो मुद्दा है, राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का जो मुद्दा है, जोरों शोरों से इस वक्त उठाया जा रहा है। बहुत जोरों शोरों से उठाया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा इसका फायदा जो है उठाया जाएगा। कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल देखिए ये उठ रहा है इस वक्त कि प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा आपने राजनीति के लिए चुना, लेकिन उसकी वजह से आप पूरे देश भर में जो हो रहा है उसको नजरअंदाज कैसे कर रहे हैं? राम मंदिर के नाम पर, राम भगवान के नाम पर दूसरों की आस्था के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, वो कैसे सही है? पहले खबर आती है दोस्तों जो हमने आपको दिखाई भी कि मध्य प्रदेश में एक चर्च पर भगवा झंडा लहरा दिया गया। अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में मस्जिद को निशाना बनाया गया और मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया गया। यह कोई हवा हवाई बात नहीं है, बाकायदा सबूत दिखाऊंगे इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दिकंटाप। दोस्तों इस वक्त आगरा से एक बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आ रही है। ये जो खबर है इसको लेकर कोई भी वीडियो जो है फिलहाल सोशल मीडिया पर अवेलेबल तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उससे जुड़ी तस्वीरें जो है हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते, मगर इससे जुड़ी जानकारी जरूर सामने आ गई है। हालांकि बताया जा रहा है पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है और जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तकरीबन 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। यह भी बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में। मामला क्या है अब वो सुन लीजिए बिना देर के। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है कि उत्तर प्रदेश के आगरा का मामला है जहां पर मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा दिया गया। वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है ऐसा कहा जा रहा है। इंस्टाग्राम पर यह जो वीडियो है वायरल हुआ, घटना 22 जनवरी की ही बताई जा रही है, यानी जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी दिन उनकी प्रतिष्ठा के साथ, उनके नाम की प्रतिष्ठा के साथ इस कदर खिलवाड़ किया गया कि दूसरे धर्म की आस्था को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई गई। दोस्तों ये जो खबर है कहती है कि वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आयोजक समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामले में अगर बात की जाए तो तकरीबन 1000 से 1500 अज्ञात लोगों पर FIR भी दर्ज कर ली गई है, जैसा पुलिस का कहना है और जैसा इस खबर का कहना है। मामला ताजगंज इलाके का बताया जा रहा है। बिल्लोचपुरा शाही मस्जिद का मामला है। बीते दिन कुछ लोगों ने भगवा झंडा फहरा दिया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, वायरल हो रहा है। जो वीडियो है 29 सेकंड का बताया जा रहा है जिसमें 5 युवक मस्जिद के छज्जे पर भगवा झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास काफी भीड़ भी नजर आ रही है। वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था जहां से वायरल हो गया। पोस्ट करने वालों ने कैप्शन में लिखा कि ताजगंज की शाही मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा दिया गया है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इन लोगों को इस गुस्ताखी की सजा मिले। घटना 22 जनवरी की बताई जा रही है। जैसा मैं कह रही हूं आपको 22 जनवरी की घटना है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आगरा शहर में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा था और जश्न मनाने के दौरान दूसरों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है, जैसा ये खबर कहती है। एक शोभा यात्रा में शामिल कुछ युवकों ने यह हरकत की। दोस्तों करीब आधा दर्जन युवक धार्मिक जुलूस से निकलकर मस्जिद के छज्जे पर चढ़ गए और वहां भगवा ध्वज लगा दिया। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई, झंडे जो है वहां से हटाए गए, लोगों को भी वहां से हटाया गया। सूझबूझ से हालात बिगड़ने से पहले स्थिति को कंट्रोल किया गया और मस्जिद कमेटी की ओर से पुलिस को जो है तहरीर दी गई है, शिकायत दी गई है। आयोजक जो थे इस पूरी शोभा यात्रा के उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार जो है किया गया है, कुल मिलाकर 11 लोगों को। तहरीर के आधार पर थाना जो ताजगंज पुलिस है 1000 से 1500 अज्ञात लोगों पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है दोस्तों उसमें 147 IPC की धारा 147, 148, 452, 505 2 में FIR दर्ज करके और कहीं ना कहीं मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब ये जो पूरा मामला है दोस्तों, सोचिए ये मामला सामने आया कहां से? उत्तर प्रदेश से ही मामला सामने आया। और ऐसा नहीं है कि ये मात्र एक मामला है, ऐसे कई मामले जो है
प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही जगह जगह अलग अलग राज्यों से सामने आए हैं। अब इस खबर की तो देखिए पुष्टि हो जाती है, आज तक के हवाले से हमने खबर आपको बताई है। एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल है और वो वीडियो बताया जा रहा है कर्नाटक का। कर्नाटक से हालांकि और भी वीडियो बताए जा रहे हैं कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसी दिन कर्नाटक में जगह जगह इसी तरीके की घटनाएं सामने आई। एक वीडियो कर्नाटक के रायचूर का बताया गया, द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया है और लिखा गया है कि मुस्लिम घरों पर लगे धार्मिक झंडे को हटाकर हिंदू चरमपंथियों ने भगवा झंडा लगाया। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की खुशी में नवाब गद्दा इलाके में मुस्लिम घरों से धार्मिक झंडे हटा दिए और उनकी जगह भगवा झंडे लगा दिए। अब ये वीडियो कितना सच है कितना नहीं, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते। कब का वीडियो है दोस्तों, कौन सी तारीख का वीडियो है, नया वीडियो है या पुराना वीडियो है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन जो दावा किया जा रहा है और जो वीडियो शेयर किया गया है, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो कर्नाटक पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही चीजों से माहौल बिगड़ता है। और शायद हो सकता है लक्ष्य ही यही हो सकता है ना कि लक्ष्य ही यही हो, टारगेट ही यही हो। क्योंकि अगर मान लीजिए टारगेट ये नहीं होगा दोस्तों, तो ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं जगह जगह से सामने क्यों आ रही है। 2024 का चुनाव दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ है, उससे पहले क्या जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति जोरों पर कर दी गई है ताकि आगे जाकर इस पर वोट मांगना आसान हो जाए, क्या हो सकता है। हालांकि देखिए बीजेपी पर तो आरोप यही लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा इसलिए इतना तूल इसको पकड़ाया गया कि भाई इसी मुद्दे पर हमको वोट बटोरने हैं, इसी मुद्दे पर सुर्खियां बटोरनी है, कुछ भी करके इस मुद्दे पर इतनी मेहनत करनी है 2024 में जैसे ही राम मंदिर का नाम लिया जाए वोट हमारे खाते में आए, ऐसा आरोप लग रहा है हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी पर। इस आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आप आकलन बेहतर कर सकते हैं दोस्तों, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक धर्म के आप कह सकते हैं प्रतीक के नाम पर अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो इसकी निंदा होनी चाहिए या नहीं, इसी का जवाब बस चाहिए दोस्तों हमें। क्या ये लोकतंत्र की निशानी है, क्या ये संविधान की निशानी है? संविधान में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा गया कि एक ही धर्म की इज्जत की जाए, सभी धर्मों को एक बराबर देखा गया है, सभी धर्मों को एक समान माना गया, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। ऐसे वीडियो सामने आने के बाद तो इस पूरे कथन पर ये लोग धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज की पुष्टि नहीं कर रहे दोस्तों, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आप आकलन कीजिए और आप ही बताइए कि इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।